सभी का स्वागत किया जा रहा है बहुत खूबसूरत तरीका से, और आप तमाम लीडर सर को माला पहना के अपने अपने जगह लेते जाने का फिर समय हो चुका है, और हम लोगों को सीखने का आज मौका है। आजकल बहुत सारे कंपनियां आती है ना, पैसा लेके भाग जाता है, इधर जोड़ा लगा उधर जोड़ा लगा, कोई बोलेगा इधर मोबाइल के पीछे चिप लगाओ, अगर आप वीडियो देखेंगे तो पैसा मिलेगा, कैसा डेली डेली मिलेगा, कुछ दिन बोलेगा महीना में मिलेगा, कुछ दिन के बाद पता चला पैसे नहीं आ रहा है, इधर गया। तो ये सब हाल चाल जो है सही है कि नहीं कंपनी का, इस बात को प्रमाणित करने के लिए FDSA है। अगर FDSA है, अगर वो प्रमाणित कंपनी है, FDSA का लाइसेंस है, इसका मतलब आपकी कंपनी बहुत अच्छी है और आपकी कंपनी में जुड़ने का पैसा नहीं लगता है। जो लोग जो है ना डेली पैसा मिलेगा, महीना में पैसा मिलेगा, वीडियो देखने से मिलेगा, उसमें में पैसा लगता है, क्यों? क्योंकि फोर्जरी है। बोलेगा मोबाइल के पीछे वो चिप लटकाएगा, उसका पैसा लगेगा 1000, एगो इधर लटकाना है, एगो इधर लटकाना, आप जोड़ा नहीं लगा तो बाद में खुद लटक जाना। तो आज जो है इस तरह से जो सिस्टम जितना भी बाजार में आता है ना, वो सब आपको प्रूफ करने के लिए एक खास है कि आप जब भी किसी कंपनी में काम करें तो देख ले FDSA का लाइसेंस है कि नहीं। अगर इसका लाइसेंस है तो आपकी कंपनी सुरक्षित है, आपकी कंपनी इंडिया बिजनेस अवार्ड भी ले चुका है, आपकी कंपनी को फास्टिंग ग्रोइंग कंपनी का अवार्ड मिल चुका है, और आपकी कंपनी में हेल्थ ब्यूटी पर्सनल केयर सारे प्रोडक्ट हैं, और 15 जुलाई के बाद तो हेल्थ ब्यूटी पर्सनल केयर ही नहीं, आप जिसको चाहेंगे इंडिया में जो भी चीज बनता है वो सारा चीज इंडिया में जो भी चीज बनता है वो सारा चीज आपको एलेक्स से मिलेगा। तो आज के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस लोगों को एक ही चीज कि आप कितना ज्यादा ज्यादा लोगों के यहां ला सकते हैं, इसीलिए आज के बाद हमें यहां सब चीज मिलेगा, और इसके लिए हमें थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा कि बीमारी क्या है। देखो पैसा तो आ जाएगा, लेकिन बीमारी आएगा तो जिंदगी रहेगा वेंटिलेटर में। तो हमें पैसा के साथ क्या चाहिए? स्वास्थ्य। क्या चाहिए? पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा कमाते रहना जरूरी है, और पैसा के साथ हमें जरूरी क्या है? जिंदगी को स्वस्थ रखना। यहां कोई नहीं मरना चाहता है, 100 साल की बुढ़िया से भी जाके पूछो, 100 साल का बुढ़ा से भी जाके पूछो, वो भी बचना चाहता है, वो भी जिंदा रहना चाहता है, हर कोई जिंदा रहना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता है, लेकिन हम जिंदा कैसे रहेंगे इसके लिए कोई जानना नहीं चाहता है, इसीलिए वो जल्दी मर जाता है। आज शुगर पेशेंट समय से पहले मर जाता है, बीपी का पेशेंट समय से पहले मर जाता है। आज जो है अगर वो जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा शिक्षा ले लेता तो समय से पहले नहीं मरता। और आपको हम आपकी जीवन में जिंदा रहने के लिए शिक्षा दे रहे हैं कि आप ज्यादा ज्यादा कैसे जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि हम महीना महीना एक महीना में एक बार आते हैं, लेकिन हम ना आए तो भी आप जिंदा रहें, और हम ना आए तो भी लोगों को जिंदा रखें। आप खुश रहो, लोगों को खुशहाल रखो, आप स्वस्थ रहो, लोगों को भी स्वस्थ रखो। अगर आप खुश रहेंगे और लोगों को भी खुश रहेंगे, अपने दुखों का समाधान करके लोगों का जब दुखों का समाधान करेंगे तो मोक्ष के रास्ते में अपने आप जाने लगेंगे। इसीलिए आज के बाद जो है बीमारी क्या है, बीमारी ज्यादातर आप सभी के खुद के वजह से आती है। बीमारी तीन तरह से आती है, पहला हवा से, दूसरा स्किन से, तीसरा खान पान से। और दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी जो होती है वो है स्किन से।
क्यों? खा पी के जो आता है ना, सबसे पहले लीवर के पास जाता है, लीवर उसको डिटॉक्स करता है, कचरे को पेशाब और मल से निकाल देता है, तो आधे बीमारी वहां खत्म हो जाता है। लेकिन स्किन्स के अंदर से जब जाती है तो सीधे किडनी और लीवर को प्रभाव करता है। इसलिए सबसे खतरनाक जो बीमारी होती है वो स्किन वाली होती है, और हम स्किन वाले बीमारियों को ज्यादातर नहीं जानते, इसलिए कोई भी क्रीम पाउडर उठा के ले आते हैं। जैसे हम सभी के बीच में लक्स लाइफ हमाम तमाम सब उठा के ले आते हैं, उसके डब्बे में लिखा रहता है टॉयलेट सोप, इसका मतलब उसमें क्या है, कास्टिक सोडा है, ग्रिसलिन है, सोडियम बेंजोड है, जो कैंसर का कारण है। लगातार सोडियम बेंजोड का इस्तेमाल करेंगे तो कैंसर जैसे घातक बीमारी होगी, और लगातार जब सर से पांव तक कास्टिक सोडा जैसे खतरनाक, आप जो है ग्रिसलिन जैसे खतरनाक, आप जो है केमिकल जब प्रयोग करेंगे स्किन में, तो स्किन के अंदर में जो छिद्र है धीरे धीरे अंदर जाएगी, और एक दिन वो कहीं ना कहीं खट्टा होगा, और फिर वो खतरनाक खुजली और चर्म रोग होगा। इसलिए दिनाई और दाद खजला खुजली जो होता है साबुन लगाएंगे तो बढ़ जाएगा। इसलिए डॉक्टर के पास जब भी जाएंगे डॉक्टर क्या बोलता है, हेलो साबुन मत लगाना बोलता है, और आप साबुन लगाते रहते हैं और उसको धोते रहते हैं, साफ करते रहते हैं ताकि कचरा साफ हो जाए और खुजली बढ़ते रहता है। आपको नहीं पता कि साबुन लगाने से बीमारी और बढ़ जाती है। कौन साबुन लगाने से? जब टॉयलेट सोप लगाएंगे, नहाने का साबुन लगाने से नहीं, कौन साबुन से? टॉयलेट सोप। और हम नहीं जानते, इसलिए बाजार का कोई भी साबुन उठा के लाते लक्स लाइफ हमाम तमाम। आज के बाद अगर चर्म रोग से बचना है, बीमारी से बचना है, तो ऐसे खतरनाक साबुन को निकाल के फेंकिए और आयुर्वेद साबुन को अपनाइए। इससे पैसा भी मिलेगा और जिंदगी का स्वस्थ लाभ भी मिलेगा। तो आज के बाद जो है स्किन में कोई भी गलत साबुन ना लगाएं, स्किन में कोई भी खतरनाक केमिकल प्रोडक्ट का सेवन ना करें। आज हम लोग चेहरे में लगाते हैं, प्रचार देखते हैं लक्स मेरी खूबसूरती का राज, उठा के ले आते हैं, है ना, कभी साबुन कभी क्रीम उठा के ले आते हैं। आपने लगाने से पहले कभी देखा उसमें लिखा क्या है? आप जो लगाते हैं क्रीम्स पाउडर, आप जो आपके पास जो फेयर एंड लवली है, चाहे लेक में है, चाहे आपका पॉन्ड्स है, चाहे कोई भी क्रीम्स है, उसमें चूना डाला होता है, उसमें पारा होता है, उसमें चर्बी होता है। जब स्किन में जब लगाते हैं तो स्किन के अंदर जाती है, और पारा शरीर के अंदर जब जाती है तो सबसे पहले ब्रेस्ट में बहुत बारीकी झिल्ली होता है, वहां से फिल्टर नहीं हो पाता तो वो इकट्ठा होने लगता है, और एक जगह जब इकट्ठा होने लगता है तो वो फिर वहां पे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, गांठें हो जाती है। रिसर्च में पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर की जितनी भी समस्या आई वो खतरनाक केमिकल क्रीम के वजह से आई है। उसमें पता चला कि गांठे कहां से बना, तो क्रीम से आया। और आज बाजार में जितनी भी ब्रेस्ट कैंसर आजकल देखते हैं, 100 महिला में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर है। कहां से हो रहा है? बाजार के खतरनाक क्रीम के वजह से, खतरनाक केमिकल क्रीम्स के वजह से। आज यूट्रस में सूजन, बच्चेदानी में सूजन, पीरियड टाइम पे नहीं होना, सफेद सफेद पर्दर होना, बाल का टूटना झड़ना, आंखों की बीमारी होना, बच्चेदानी बाहर निकल जाना, ये तमाम बीमारी का कारण कौन है? क्रीम पाउडर, खतरनाक केमिकल। अगर अपनी माँ, अपनी बहन, अपने समाज को बचाना है तो इन खतरनाक केमिकल से उसे दूर रखना पड़ेगा, और उसे बताना पड़ेगा कि बाजार के खतरनाक क्रीम पाउडर पहले यूज नहीं करते थे, पहले के समाज नहीं प्रयोग करते थे, इसलिए उनको इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी, और आजकल धड़ल्ले से ही सब यूज हो रहा है, इसलिए आज बाजार में इतनी खतरनाक बीमारी हो रही है। अगर बीमारी से बचना है तो आपके घर में पहले आप खतरनाक क्रीम पाउडर को बाहर निकालिए और महिलाओं को भी बताइए, तैयार हैं? अगर बीमारी से बचना है, ब्रेस्ट कैंसर जैसे, हाथों की घाव जैसे, ब्लड इंफेक्शन जैसे, इन तमाम सारी बीमारी समस्या से अगर बचना चाहते हैं तो आज के बाद खतरनाक सर से पांव तक कोई भी क्रीम पाउडर लगाने से पहले 10 बार सोच ले, क्योंकि इसमें कोई केमिकल तो नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? आयुर्वेद क्रीम्स, आयुर्वेद बॉडी लोशन, आयुर्वेद पेस्ट, आयुर्वेद जेल, आयुर्वेद फेस वॉश, आयुर्वेद जेल, इस तरह से सारे चीज आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा। यहाँ तक कि साबुन आयुर्वेद, आपके हर तरह के साबुन है, लेमन है, रोज है, मोगरा है, ऐसे तरह तरह के साबुन है,
ये आपको स्किन शॉप है, ये आपको ब्यूटी शॉप है, ये आपको भेष शॉप है, इसमें कोई चर्बी नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसके डब्बे में लिखा हुआ है सूद नारियल का तेल, सूद वनस्पति से बना हुआ तेल, ये लिखा हुआ है। इस साबुन को लगाने से कोई स्किन डिजीज नहीं होगा, लेकिन आप अगर ऐसे ही गलत सलत लगाते रहेंगे तो बीमारी आएगी। बीमारी आने का पहला रास्ता कौन है? स्किन। दूसरा रास्ता